अभी हम पहुंचे हैं माल देवता कुमाड़ा गांव। ये मंजर है तवाई का, आज का बादल फटा हुआ। एम्बुलेंस लगातार सर्विस में लगी हुई है। तो गाइज आज की जो वीडियोस होने वाली है बड़ी तहलके के साथ होने वाली है। देख लीजिए आप, माल देवता में पूरी बाढ़ आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, काफी लोग साथ में, साथ वाले लोग काफी पीछे छूट गए। देख सकते हो आप लोग पीछे पूरे ये आ रहे हैं साथ वाले, देख सकते हो आप लोग। तो पीछे जो आप लोगों को रिजॉर्ट देखने को मिल रहा होगा, इसमें काफी सारा आइटम हमारा डूब चुका है, देख सकते हो। कई लाखों पेड़, गाड़ियां काफी ज्यादा संख्या में बहती हुई। सर कोई जनहानि ऐसे है बता रहे जो कि अच्छा कितनी काफी संख्या में मलबा आया, तो प्रशासन ने जो है जेसीबी से ये देखिए, ये बिल्कुल आधा मकान लटक गया है, कैसी फंसी हुई है। और एक से एक गाड़ियां, बहुत ही कीमती कीमती गाड़ियां, ये देखिए। अभी थोड़ा पानी कम हो गया, लोगों को घरों का सामान सब बह चुका है। देखिए ये भी एक घर है, उसके अंदर सारी गाड़ियां बह के देख सकते हैं आप। ये गाड़ियां लोकल यही लोगों की हैं या कहीं बाहर की हैं? बाहर के नंबर की। ये कोई रिजॉर्ट है यहाँ पे? ये रिजॉर्ट है, वो देहरादून नंबर की है। हाँ ये देहरादून नंबर की दो तीन गाड़ियां हैं, ये रिजॉर्ट है। अच्छा ये रिजॉर्ट है, इसमें जो ठहरे लोग ठहरे हुए थे वो निकल के सुरक्षित निकल के? ये है मलसार ये देखिए आप, कितना कितना पानी रोड पे। भैया आप आगे निकल जाओगे क्या, निकल जाओगे ऐसे ही? नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ, पानी ज्यादा तो नहीं है? देखिए घुटनों से ऊपर पानी पहुंच चुका है। और ये मकान बना रखे हैं, कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? वही है, वही कहते हैं। लोग कहना है कई सैकड़ों संख्या में गाड़ियां पानी में बह गई हैं। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा रिस्क लेके, ये पूरी रोड क्षतिग्रस्त, रास्ता क्षतिग्रस्त हो चुका है। कृपया बने रहें और देखते रहें कुदरत का मंजर कितना खतरनाक होता है, जिसके आगे किसी की नहीं चलती। एक ये किसी का लॉकर।